नमस्कार, मैं हूं मोहित और हमेशा की तरह आपकी नजरें एक बार फिर से हट के डट चुके हैं भारत एक सोच पे। दोस्तों, बात करना चाहूंगा कोरोना काल के बारे में। कोरोना आया, फिर से यही लहर शुरू हो चुकी है, आंकड़ेबाजी फिर से शुरू कर दी गई है। बीजेपी लोगों को सही समझती है क्या यार? बिहार में इतने दिन से रोज रैलियां पेले पड़े थे, एक एक दिन में 50-50 रैलियां हो रही थी। ससुरे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे, भूसे की तरह रैलियों में लोग भरे हुए थे, ना मास्क था ना गमछा था, मंच से भाषण पेले जा रहे थे। तब ना आया कोरोना, तब किसी ने नहीं कहा कोरोना आ गया, भागो घरों में घुस जाओ, तब बुला बुला कर रैलियों में लपूसा दे रहे थे। चुनाव के समय बिहार में कोरोना को मौत आ गई थी, अब कह रहे हैं मास्क नहीं लगाओगे तो जुर्माना लगेगा, अब फिर कह रहे हैं घर में रहो। रहो भैया, तुम वोट के लिए जनता की जान से भी खेल सकते हो, उनको रैलियों में 100-100, 200-200 रुपए देकर के बुला सकते हो। तुम कोरोना को अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करते हो, जब चाहते हो टेस्टिंग कम कर देते हो, जब चाहते हो आंकड़े घटा देते हो, जब चाहते हो टेस्टिंग बढ़ा देते हो, जब चाहते हो आंकड़े बढ़ा देते हो। मोदी जी कह रहे थे 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, 2 गज दूरी बहुत जरूरी। जब दिल्ली में जीत का जश्न मना रहे थे तो 2 गज की दूरी कहां तेल बेचने गई थी? देश को बताओगे, जब बिहार में रैलियां कर रहे थे तो 2 गज की दूरी भड़बुझे पर चबेना बुझाने चली गई थी? कहां यार, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही फॉर्मूला है बीजेपी सरकारों का। चुनाव खत्म, अब अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया तो चालान कटेगा। लोग समझे तो ठीक, ना समझे तो ठीक। अब जब गोदी मीडिया वाले बिकाऊ चैनल खोलोगे तो बताया जाएगा कि 24 घंटे में इतने मरे और इतने केस आए, और जब तक बिहार चुनाव चल रहा था तब इन सब बिकाऊ चैनलों ने कोरोना को ऐसे गायब कर दिया था जैसे कि गधे की सर से सींग। भारत में कोरोना चुनाव की तारीखों के हिसाब से आता और जाता है, और ऐसे ही आता जाता रहेगा। मेरी आप सबसे अपील है, कोरोना कहीं नहीं गया था, यही है, यहीं पर। वोट के लालची लोगों ने अपना मतलब निकालने के लिए कोरोना को नजरअंदाज कर दिया था, सिर्फ नजरअंदाज। आप लोग अपना ख्याल रखें, मास्क जरूर लगाएं और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हमारा काम है आपको रियलिटी से वाकिफ कराना, ऐसे ही मिलाते रहेंगे। बंद मिलते कल नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।